हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई नो मैं बहुत टाइम से गायब था, पर यू नो थोड़ा सा अभी लाइफ पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ अभी काफ़ी सारे रेस्क्यू कॉल्स भी थे। वी रेस्क्यूड वन वल्चर, उसको हमने ठीक करके अभी रिलीज है, और एक बहुत सुंदर सा चमगादड़ भी आया था। और ऐसे ही बहुत सारे रेस्क्यू वीडियोज़ हैं जो कि मैं थोड़े टाइम बाद डालूंगा, इन आई डोंट नो इन अ वीक और सो। ये वाला वीडियो आई थॉट कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि व्हाट्स ऑल गोइंग इन माय लाइफ, और थोड़ा सा एक अपडेट, जैसे कि यू नो आई टोल्ड यू गाइस नो लास्ट वाले वीडियो में, एंड स्नोई एंड अलास्का सबसे मिलते हैं। सो यस लेट्स गो। सो यस, ये रहे मेरे बच्चे। अरे अरे, यहीं पर अंगड़ाई। स्नोई इज, अरे अरे अलास्का। अच्छा एक सेकेंड। सो एवरीबडी, दिस इज अलास्का। जब भी आप ऐसे आओगे बैठने, तो शील कम एंड शील सिट ऑन योर लैप, खास तौर से अगर आप चेयर पे लोगे। ये है अलास्का और ये है 5 महीने की। इसको अभी थोड़ा सा डाइट पे फोकस है इसकी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यू गाइस माइट नो 5 महीने का डॉग होता है, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो हर जगह पॉटी करता रहता है, हर सब कुछ खा लेता है पकड़ के, दे जस्ट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो ये अलास्का अभी 5 महीने की हुई है, अभी वैक्सीनेशन चल रहे हैं इसके। डाइट पे थोड़ा सा फोकस हूँ मैं इसकी अभी, और ट्रेनिंग तो खैर मैं क्या ही बोलूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ अभी ट्रेन करने की, इसको थोड़ा टाइम कम है अभी, पर आई एम गोना ट्रेन हर इन अ वाइल, ये हो जाएगी। आई नो मैं आप लोगों को बीमार से लग रहा हूँ, क्योंकि आई जस्ट गॉट वैक्सीनेटेड यस्टरडे, कल मेरा वैक्सीनेशन हुआ है, और थोड़ा सा फीवर टाइप्स हो जाता है ना, तो वही अभी मुझे हुआ है, पर उसके अलावा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज मैं रेस्क्यू कॉल्स पे भी नहीं जा पाया, मेरी टीम को जाना पड़ा मेरे बिना, क्योंकि यू नो आई वॉज डाउन विद फीवर। अब मैं आपको मिलाता हूँ स्नोई से। सो एवरीबडी, दिस इज स्नोई, हमारा बहुत ही सुंदर कुत्ता। शी इज 11 ईयर्स ओल्ड, 11 साल, और इसके दांत, एक भी दांत नहीं बचा है इसके मुंह में। ये मेरा बच्चा, मेरा बूढ़ा सा बच्चा। ये पूरे दिन इस पे गुस्सा करती रहती है, क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। ये इसको सब कुछ सिखा देती है, और ये तब भी नहीं सुनती है ना, है ना, यू डोंट लिसन। हाँ हाँ हाँ, बस बस प्यार ही करते रहो। है ना स्नोई, स्नोई भी बहुत बढ़िया है। अब बस स्नोई को थोड़ा सा सॉफ्ट फूड थोड़ा सा ज़्यादा दिया है आजकल, क्योंकि उसके दांत ही खराब, बेचारी के एक भी दांत नहीं बचा है मुंह में। पर इट्स ओके, है ना, यू आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। और आई विल शो यू गाइस माय एक्वेरियम, और ये है मेरा एक्वेरियम, काफ़ी अच्छा चल रहा है। ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं हैं मैंने, बस आई जस्ट गॉट दीज फिशेज, ये नियॉन टेट्राज में लेकर आ गया था, 10 लाया था, नाउ दे आर 8, बट यस दे आर डूइंग गुड। अब ये सेट हो गई हैं, एंड माय एंजल फिश, ये भी मस्त है एकदम। गुस्सा होके चला गया वो, तो दिस इज माई स्नेल। तो ये स्नेल्स की का ना नेचुरल बिहेवियर होता है, ये ऐसे यहाँ से ऊपर जाता है यहाँ पर, और ऐसे पंप करके अपने अंदर एयर, और वापस नीचे गिर जाता है, क्योंकि वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको हम बोलते हैं पर्पल मिस्ट्री स्नेल। ज़्यादातर लोगों को इतनी ज़्यादा ना इनके बारे में डिटेल्स पसंद नहीं है, बट आई लव गिविंग देम, तो मैं बॉस तो नहीं आऊँगा। सो एक्वेरियम इज बीइंग गुड, मेरा काफ़ी अच्छे से चल रहा है। आई एम जस्ट क्लीनिंग द वाटर, अभी हेयर एल्गी आ गई थी यहाँ पर, इफ यू कैन सी, हेयर एल्गी आ गई थी, काई जम गई थी बहुत ज़्यादा इस पर हर जगह, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी चेंज किया है, तो फाइनली अभी अच्छा हो गया है। यस, एंड दिस इज माय क्रिसमस ट्री, जिसकी लाइट्स, ये मैडम जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिनके बम्स आप देख सकते हो,
हाँ जी, इन्होंने ये जो क्रिसमस ट्री है इसकी लाइट खा ली, एक बार नहीं दो बार, दो बार बर्बाद कर दी है। इतना सुंदर हमारा क्रिसमस ट्री बना था, बट क्या करें। एंड यू नो व्हाट, ये अंडा मुझे कहाँ से आया है? हाय। सो इन्होंने आज एक अंडा दिया है एंड आई कांट बिलीव इट। ये दोनों फीमेल्स ही हैं, ये अभी मेरे को देख रही हैं। दे आर वेरी टेम, दे लव मी। इसका नाम हमने रखा है जकार्ता और इसका नाम है फ्लोरिडा। सो जकार्ता ने ये अभी अंडा दिया है, दिस वन। ये मेरे घर में ऐसे ही खुले घूमते रहते हैं, दे नो वेयर इज द किचन और कहाँ खाने को मिलता है खाना। आई दे गिव मी एन एग यार, ये इन्होंने बताओ यार, इन्होंने अंडा दे दिया। और स्नोही को इतना पसंद है ना अंडा, हाँ मैं इसको ही खिलाने वाला हूँ ये। आई एम जस्ट गोना बॉयल इट, डोंट वरी। ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसमें बच्चा नहीं होगा। अगर इसमें बच्चा होता तो इसकी माँ इनको इसको बहुत अच्छे से सहती, पर इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है अपने अंडे से ना। इसने बस इसको ऐसे ही दिया एक्सेस कैल्शियम, ये ऐसे ही निकालते हैं। और इसने ऐसे ही शी लेड एन एग और शी लेफ्ट इट लाइक दैट। हाय, ये इनकी फेवरेट जगह है क्योंकि यहाँ पर मैं जनरली ऐसे बैठा रहता हूँ एक्वेरियम के सामने, और ये भी यहाँ पर बैठे रहते हैं। अलास्का क्या कर रहा है बेटा? अलास्का किचन में क्या करिए?